कोलकाता नगर निगम चुनाव के चुनावी अखाड़े में हम हैं वार्ड 45 में। हम बात करेंगे वार्ड 45 के भाजपा प्रत्याशी कुशल पांडे से। आप अपने जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? देखिए, जीत के प्रति 100% आश्वस्त हैं। जहां भी जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, जनता का पूरा अभिवादन, पूरा आशीर्वाद हमें मिल रहा है। लोगों का कहना है कि एक युवा फेस है भाजपा प्रत्याशी के रूप में, और लगभग 10 से 12 सालों से हम इस वार्ड में समाज सेवा के रूप में, किसी के बीच में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, रात को 12 बजे भी अगर किसी का फ़ोन आता है तो उन लोगों के पास में पहुंचना अपना सबसे पहला प्राथमिकता रहता है। तो घर घर जा रहे हैं, लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बाकी लोग ये कह रहे हैं कि एक बार इस बार परिवर्तन करना है, एक युवा को इस बार सेवक के रूप में चुनना है। एक तरफ कई बार के पार्षद और एक तरफ शासक दल का युवा चेहरा, किसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, शासक दल का युवा चेहरा तो भाजपा भी एक युवा चेहरा ही उतारा है, और कई बार के जो पार्षद हैं, उन पार्षद से मैं मीडिया के माध्यम से यही पूछना चाहूँगा कि 15 साल से वो पार्षद हैं, वो अपने वार्ड में 15 काम दिखा दें हमें, वो 15 काम गिना दें कि हमने 15 सालों में इन 15 कामों को इस वार्ड में किया है, जनता के लिए किया है, जनता के लिए काम किया है। कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं मोदी जी, और वोटर कार्ड जमा दे करके वो कोरोना वैक्सीन लगाया जा रहा है। ये दोहरी नीति है। मोदी जी कभी ये नहीं देखने गए कि बंगाल के लोग हैं, कि यूपी के लोग हैं, कि बिहार के लोग हैं, कि हम यहाँ के हैं कि नहीं हैं। लेकिन इस वार्ड में ये हुआ है कि अगर आपको वैक्सीन लगाना है तो आपको वोटर आई कार्ड जमा करना होगा, तब जाकर के आपको वैक्सीन देना पड़ेगा। कोरोना काल में भाजपा परिवार की तरफ से, हमारे युवा साथियों की तरफ से बहुत सारा काम हुआ है, जनता के बीच में रहे हम लोग हर वक्त। ऐसे कौन से काम है जो आपको लगता है वार्ड में अब तक नहीं हुए और जो होने चाहिए? एकदम है। मैं पूछना चाहता हूँ पार्षद साहब से, क्यों गुजराती हॉस्पिटल बंद करवा दिए हो? क्यों नहीं एक इस वार्ड में 15 साल से एक मैदान नहीं है बच्चों के लिए, एक कम्युनिटी हॉल नहीं है लोगों के? अगर हमें शादी ब्याह करना होगा अपने बच्चों का, अपने परिवार का, तो हमें दूसरी जगह जाना पड़ता है। एक हॉस्पिटल नहीं, एक हॉस्पिटल था उसको भी बंद करवा करके मार्केट बना दिए ये लोग। क्यों भाई, आप तो जनता का सेवा करने के लिए आए थे ना, आपको हॉस्पिटल स्कूल खुलवाना चाहिए। आप इजराइल बोतल पट्टी में स्कूल है, सरकारी स्कूल, जाकर के आप उसका अवस्था देखिए, सीढ़ी भाड़ा पे दिया हुआ है। पार्षद का काम दिल्ली में बैठना नहीं है, पार्षद का काम लोकसभा विधानसभा में बैठना नहीं है, पार्षद का काम है झाड़ू लगाना, पार्षद का काम है हमारे वार्ड में जो सरकारी चीज़ है उसका रक्षा करना, उसको सुरक्षित रखना, साफ रखना। आप उनसे पूछिए जा करके कि कितने बार उस सरकारी स्कूल का दौरा किए हैं, वो कितने बार गए हैं, कितने किस बच्चों का जिम्मेदारी उठाई है। सेवक के रूप में चुना जाता है, पार्षद को चुन करके, पार्षद कभी दिल्ली रहेंगे, कभी आप चले जाए उनके, उनसे कोई काम करवाने जाइए, देखिए पहले उनसे मुलाकात होता है कि नहीं, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, रास्ता में रहना पड़ेगा। सिर्फ हम ये दिखाएंगे कि हम 3 बार से पार्षद हैं, जमाना किसी का नहीं बचा है, जमाना जब्त हो गया है, ये सब कहना ठीक नहीं है। बंगाल की इस वार्ड की जनता सुन रही है, देख रही है, जवाब देगी।